तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द था राहगीर, उसके बाद है क्षमा। क्षमा शब्द से वाक्य भवनीत, क्षमा शब्द से वाक्य बनाइए जल्दी से। मैम मैंने बना दिया था, मैंने राम को क्षमा कर दिया। ओके वेरी गुड। तनिष्का सुच्चे शब्द से वाक्य बनाओ। तनिष्का मेरी माता के पास सुच्चे मोतियों की माला है। वेरी गुड। लायक, लायक शब्द स्पर्श वाक्य बनाइए लायक शब्द से। चंदू और धीरू के पास कुछ ऐसी चीज नहीं थी जो युवराज को देने के लायक हो। वेरी गुड। उसके बाद अगला शब्द है सराहना। सराहना शब्द से वाक्य कौन बनाएगा? चलिए अब आएगी टर्न अवनि। अवनि सराहना शब्द से वाक्य बनाइए। मैम इसका बनेगा सब लोगों सबने मेरी सराहना की। वेरी गुड, शाबाश बेटा। तो चलिए उसके बाद आते हैं प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्न नहीं बोलना है आपने। क्या होता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है प्रश्न। चलिए अभी बच्चे लोअर के अपने हैंड्स डाउन कर लो। सारे बच्चे सबके हैंड्स डाउन रहेंगे। लवली सबके हैंड्स डाउन, शाबाश, वेरी गुड। सबके हैंड्स डाउन रहेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है वो है, इस नाटिका में आए सभी पात्रों के नाम बताओ। हमने स्टार्टिंग में आज भी रिवाइज किया था ना, कौन कौन से पात्र हैं। इस नाटिका में आए पात्र हैं इंद्रदेव, धीरू, चंदू और अपरिचित व्यक्ति। ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरे नगर में धूमधाम क्यों थी? भूमिका बताइए, भूमिका मैनी, पूरे नगर में धूमधाम क्यों थी? यस मैम, युवराज के जन्मदिन के कारण पूरे नगर में धूमधाम थी। जन्मदिन नहीं बोलेंगे बच्चे, हम इसे बोलेंगे जन्मदिन। ठीक है, आधा न है ना, जब आधा न है तो हम इसे बोलेंगे जन्मदिन। चलिए अगला प्रश्न है, उपहार को लेकर चंदू ने अपने बेटे को क्या समझाया? आपको पता है ना, जो धीरू था उसने बोला था चलिए पिताजी हम भी युवराज को कोई तोहफा देते हैं। तो युवराज, तो अब चंदू ने क्या समझाया? तो चंदू ने अपने बेटे को समझाया कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास युवराज को देने लायक कुछ नहीं है। नवनीत हैंड डाउन करो बेटा। चलिए चंदू ने क्या समझाया कि हम बहुत गरीब हैं और हमारे पास युवराज को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है, अपरिचित व्यक्ति की चोरी कैसे पकड़ी गई? कैसे पकड़ी गई थी अपरिचित चोर की व्यक्ति की चोरी? हमें पता है ना, धीरू की चतुराई और समझदारी से अपरिचित व्यक्ति की चोरी पकड़ी गई। धीरू ने चतुराई दिखाई थी ना, यू आर नॉट क्या बोला था कि कान मरोड़ो तो गाय उड़ती है, लेकिन गाय तो उड़ ही नहीं सकती। क्यों नहीं उड़ सकती? क्योंकि गाय लकड़ी की बनी है। सभी बच्चे अपने कैमराज ऑफ कर लो बेटा। सभी स्टूडेंट्स प्लीज अपने कैमराज ऑफ कर दीजिए। यस बच्चे प्लीज। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न क्या है कि सराय में मिले अपरिचित व्यक्ति ने गाय को देखकर क्या कहा? क्या कहा था गाय को देखकर उसने?
अपरिचित व्यक्ति ने कहा कि जस्ट अ मिनट बेटा जस्ट अ मिनट हाँ जी, प्रश्न है किस राय में मिले अपरिचित व्यक्ति ने क्या कहा था। अपरिचित व्यक्ति ने कहा कि यह गाय मेरी मोतियों की माला से भी सुंदर है। क्यों कहा उसने? क्योंकि वो युवराज को देने के लिए मोतियों की माला लाया था। चलिए प्रश्न नंबर 6, नींद से उठकर धीरू हैरान क्यों रह गया? क्यों हैरान हो गया था धीरू नींद से उठकर? क्योंकि उसने देखा कि जो वो मोतियों की माला लेकर आया था वह मोतियों की माला गायब हो गई है। यह देखकर जो धीरू था वो हैरान रह गया। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है, धीरू की गाय किसने और कब चुराई? ठीक है, तो धीरू की गाय किसने चुराई थी? धीरू ने जब धीरू सो रहा था तब उसकी गाय अपरिचित व्यक्ति ने चुराई थी। कब चुराई थी? जब धीरू सो रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास। अगला प्रश्न है बेटे, धीरू ने गाय की क्या विशेषता बताई? धीरू ने गाय की क्या विशेषता बताई? धीरू ने कहा कि यह गाय जो है वो कान मरोड़ने पर बताते हुए कि कान दबाने पर यह गाय है उड़ने लगती है। लेकिन क्या यह बात सच थी? नहीं। चलो हम फोर्थ शुरू से सारे करवा दो। हाँ जी बच्चे, हम फोर्थ चौथे प्रश्न से अब 7वें प्रश्न से दोबारा कर लेते हैं। 7वां भी एक बार दोबारा कर लेते हैं। धीरू की गाय किसने और कब चुराई? धीरू की गाय जब धीरू सो रहा था तब उसकी गाय अपरिचित व्यक्ति ने चुरा ली थी। ठीक है, अगला है, धीरू ने गाय की क्या विशेषता बताई? धीरू ने गाय की विशेषता बताते हुए कहा कि इसका एक कान दबाने पर यह उड़ती है। ऐसे ही हुआ था ना? तो चलिए बेटे, ये सारे प्रश्न उत्तर अब जो है हमारे फिनिश हो गए हैं। अभी अगर आपकी कोई क्वेरी है बच्चे तो वो आप चैट विंडो में मुझसे पूछ सकते हो। यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन द चैट विंडो। आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है।